तो या नाउ डुमेर का भी तुम लोगों ने ये चीज तो जरूर सोचा होगा कि काकाशी ने बिना इंटरनल मांगी क्यों शारिंगान के कंप्लीट बॉडी सुसानो का यूज कैसे किया। क्योंकि यार ये बात तो यार हम सभी को पता है कि काकाशी ने ओबितो के चक्र और उसकी मांगी को शारिंगान की मदद से कंप्लीट बॉडी सुसानो का यूज किया था। पर यार यहाँ पे भी यार एक और सवाल ये है कि यार ओबितो के पास भी यार इंटरनल मांगी को शारिंगान नहीं थी और बिना इंटरनल मांगी को शारिंगान के कोई भी बंदा यार कंप्लीट बॉडी सुसानो का यूज नहीं कर सकता। तो फिर यार काकाशी ने बिना इंटरनल मांगी को शारिंगान के कंप्लीट बॉडी सुसानो का यूज कैसे कि वैसे यार इसके पीछे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। पर यार एक फैन थ्योरी है जिससे तुम्हें ये चीज आराम से समझ आ जाएगी। देखो यार हम सभी लोगों को ये बात पता है कि ओबितो मरने से पहले टेंटेल का जिंजूर की था और उसकी बॉडी में हाशिरामा सेल्स भी थे। तो क्या पता यार ओबितो जब यार टेंटेल का जिंजूर की था तब यार उसकी मांगी को शारिंगान इतनी ज्यादा इवॉल्व बन चुकी थी और वो इतनी केपेबल बन चुकी थी वो बिना इंटरनल मांगी को शारिंगान के भी कंप्लीट बॉडी सुसानो का यूज कर सकती है। और यार शायद से यार यही रीजन है कि काकाशी कंप्लीट बॉडी सुसानो का यूज कर पाया। बाकी यार तुम लोग इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।